हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आज रो ये क्लास रे हमें डिस्कस करबा प्लस टू फर्स्ट ईयर फिजिक्स रो स्कालार एंड वेक्टर चैप्टर रो पार्ट फोर। ठीक अच्छे, पार्ट वन टू थ्री अपलोड हो सारी, जो मैंने देखी ना से मैंने एसपी एजुकेशन रो प्ले लिस्ट को जातु से आपण मानक आमर पार्ट वन टू थ्री ए सब भिडियो मिले। ता सहित तो केवल फिजिक्स नुह आपण मैंने प्ले लिस्ट रु केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलोजी इंग्लीश एमआईएल ए सब सब्जेक्ट रे भिडियो पाइपारे, तेणु समस्त प्ले लिस्ट को विजिट करूँ। ठीक अच्छे, आपण समस्ते जानते जे एसपी एजुकेशन रे प्रत्येक दिन संध्या सतटा बेले मैंने 7 PM रे प्लस टू फर्स्ट ईयर साइंस रो क्लास होउछि, एवं एवरी मंडे रे मु आपण मानको फिजिक्स पढ़ाऊँ। तेणु जो मैंने भी चैनल रे नुआ अच्छ वर्तमान आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, एवं साइड रे बेल आइकन अच्छी ता उपरे क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को मध्य ऑन कर दियो, जहाद्वारा आमर क्लास आरंभ होबा क्षणी आपण मानको पाखुक नोटिफिकेशन जिवो एवं आपण समस्ते आम क्लास रे डायरेक्टली जॉइन कर पारिबे। ठीक अच्छे, एवं आम जो चैप्टर पढ़ाऊँ ना तार PDF सब गुड़िक आम टेलीग्राम अपलोड होती, तेणु जो मैंने टेलीग्राम जॉइन है ना से डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे, लिंक में क्लिक कर समस्त टेलीग्राम जॉइन हो जातु। ओके, तो देख आम कौन कौन पढ़ते स्कालार वेक्टर, व्हाट इज स्कालार क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते, देन तर किसी टर्म गुड़िक पढ़ते, एडिशन ऑफ वेक्टर देखी, नेक्स्ट आम कौन देखी सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एवं गोटे स्कालार को वेक्टर सहित किपर मल्टीप्लाई करेंगे देखी। ठीक अच्छे, तो एबे डिस्कस करवा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। जिते बेले मु लास्ट क्लास करती ना से टाइम रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ाऊँ, किंतु कौन सी प्रॉब्लम जो आम क्लास अधारू स्टॉप होगा, से पुणी थे आपण रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ेबी, तापर परवर्ती टॉपिक गुड़ी को आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे, देख रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अर्थ कौन, जो गोटे वेक्टर को आम भांगा। एडिशन ऑफ वेक्टर आम कौन देखु जो दुईट वेक्टर मिसोले मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिसला कौन आसाला गोटे रिजल्ट आसाला बा आर वेक्टर आसला, किंतु रिजोल्यूशन रे कौन हम तार ठीक उल्टा हम माने गोटे वेक्टर अच्छी ताकू आम विभिन्न प्रकार वेक्टर रे भांगा। ठीक अच्छे, तो आपको आम कमी भांगा ना गोटे हूँ टू डी मानने प्लेन रे गोटे समतल वेक्टर थी गोटे प्लेन वेक्टर थी भांगा, एवं सेकेंड रे कौन देखा थ्री डी है मानने गोटे थ्री डायमेंशन गोटे वेक्टर थी भांगे कौन कौन हम सब डिस्कस करवा। ठीक अच्छे, तो प्रथम गोटे डायग्राम देखते समस्ते मुझे टू डी गोटे वेक्टर ड्र करी ये हूँ कौन आम एक्स अक्ष एक्स एक्सीस एटा वाई एक्सीस, ताहले मनकर गोटे वेक्टर एमती जाऊँ मान्य ये हूँ कौन आर वेक्टर है कि ए डायरेक्शन जाऊँ, तो यहाँ को आम क्यों डायरेक्शन बोली कहवा कह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाना कहीं ना ये कौन नॉर्थ डायरेक्शन और यहाँ हूँ ईस्ट डायरेक्शन, तेणु आम ये जो आर वेक्टर को कौन कहवा ये हूँ आम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जाने आर वेक्टर टी नॉर्थ डायरेक्शन जाऊँ सहित ईस्ट डायरेक्शन जा, तेणु आर वेक्टर को जब आम भांगा तेल आमको दुईट वेक्टर मिल कौन गोटे वेक्टर जीव नॉर्थ डायरेक्शन रे आउ गोटे वेक्टर जीव आमर ईस्ट डायरेक्शन रे है कि मनकर आम ईस्ट डायरेक्शन थे वेक्टर को कौन नाम देदेबा आर एक्स वेक्टर देदे बुझ क्लियर रे, एवं जो आम वाई एक्स जा कौन नाम देदे आर वाई वेक्टर देदे है आम कौन लिखिपर कहल जे आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। ओके, बुझिपार ना नाई मुझ कली जो आर वेक्टर था दि भाग करदे कौन कौन कले गोटे एक्स भाग में किसी गला आउ गोटे कंपोनेंट कौटे गला वाई अक्षर गला है कि वाई एक्सीस गला, तेणु कौन लिखिली जो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, तो आर एक्स वेक्टर ता माने कौन वेक्टर कौन अच्छे मैग्नीट्यूड अच्छे डायरेक्शन अच्छे, तेणु मैग्नीट्यूड को आम कौन लिखिदे जे आर एक्स लिखिदे है कि वेक्टर मैग्नीट्यूड कौन एमती भी लिखिपार आर एक्स देखिए वेक्टर चिन्ह देखिए मर दे पार सेमती पर किमा एमती भी पार्ला आर एक्स ता डायरेक्शन को आम कौन लिखा देख आर एक्स वेक्टर टा मोर को दिगर जाऊँ कहल एक्स अक्षर जाऊँचना जदि एक्स अक्षर जाऊँ पिला माने मन रख एक्स अक्षर गोटे डायरेक्शन आम सूचित करको आम देवा आई केफ है कि डायरेक्शन आम कौन देखते ना आई केफ देवा है कि आपको आम कौन बोली कहवा यूनिट वेक्टर एक्स अक्षर दिगर जो यूनिट वेक्टर को आई केफ देवा। ठीक सेमती वाई अक्षर जाऊँ वाई डायरेक्शन को मन रख सबुदे जे केफ दि जाए कौन ना जे तापर गोटे केफ चिन्ह देदेव है जे केफ द्वारा सूचित कराए, तेणु आमर जो आर एक्स वेक्टरटा अच्छे से कौ दिगर अच्छी कहल सी आम एक्स अक्षर जाइए, तेणु आम कौन प्रथम तार आर एक्स मैग्नीट्यूड लिखीदे तर डायरेक्शन लिखे डायरेक्शन आम कौन देवा आई केफ देदे आर एक्स आई केफ देदे। ठीक से प्लस आर ओ के आम कौन लिखा कहल आर वेक्टर को तार मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भागे लिखिपर मैग्नीट्यूड कौन हो आर वाई डायरेक्शन को आम कौन लिखा ना जे केफ। ओके, तो बर्तमान आम आर वेक्टरटा कौन होना दुईट भाग में भागी जाइए है कि कौन कौन गोटे आम आर एक्स आउटे आर वाई आर एक्स कौन गला आम लिखे आर एक्स आई केफ आर वाई रो जो अच्छे आम कौन लिखे आर वाई
जेकेफ बुझिपारे समस्ते। तो एबे देखो रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अर्थ कौन, आम रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर को रेक्टांगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मध्ये कहि परिबा। तो देखो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर इज कॉल्ड रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। माने गोटे सिंगल वेक्टर को आम स्प्लिटिंग करिबा माने ताकु भांगिबा केउथिरे नंबर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर रे, माने से जेउ वेक्टर को नै तयार हेतिबो से वेक्टर रे भांगिबा को आम कोन बोली कहबा रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। बुझिपारल रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर को आउ कोन कहजे रेक्टांगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बोली कहजिवो। ठीक अछि देखो तो प्रथमे आम देखा गोटे प्लेन रे किपर वेक्टर को भांगिबा है मुझे देख ड्र कर बर्तन लाइक आर वेक्टर को तो ये कौन होगा सी आर एक्स गला एठी कौन जी आर वाई वेक्टर गला सी ओके। तापर देख आर एक्स मुझे आर वेक्टर को पुणी कौन सजे देली जे आर एक्स आई केफ प्लस आर वाई जे केफ। ठीक अच्छे एमती भाव में सजे देली कहीं टी तो डिस्कस करी किपर आर एक्स आई केफ है किपर आर आर वाई जे केफ है गोटे मिनट टे सरी मु मोबाइल को फ्लाइट मोड कर साउंड आसटर्ब होके। तो बर्तमान देख आम आर वेक्टर को एमती सजेदे तापर देख गोटे इंटरेस्टिंग कथा जो आर एक्स अच्छी ना तार भैल्यू आम बाहर करवा। ठीक अच्छे आर एक्स मान कौन जे आम ए लेंथ रहा देख जो आर एक्स वेक्टर होती कौन कितनी तेना आर लेंथ को आम कौन बोली कहवा तार मैग्नीट्यूड को आम कौन कौन ना आर एक्स बोली कहवा। तो आर एक्स मूल्य कौन हम देख समस्ते क्लीयर देख पूरा ध्यान से बुझ जदि मु ए कोण को थीटा नहीं जीवी ताहले ये गोटे कौन हो राइट एंगल ट्रायंगल होना गोटे समकोणी त्रिभुज होना ना कि जब आपको मुझे थीटा नी ये गोटे कौन राइट एंगल ट्रायंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल रे मु कहबी आपण मानक जे कॉस थीटा रे फॉर्मूला कौन कह मत कॉस थीटा आम जानते कॉस थीटा इज इक्वल टू कौन बी बाय एच भूमि बाय कर्ण। तो भूमि कौन हो थीटा हो ये जो भूमि आर एक्स लिखी कौन आर एक्स डिवाइड बाय एच माने कौन कर्ण कर्णरे कौन अच्छे आर वेक्टर अच्छी ना हाइपोटेनस आर वेक्टर अच्छी तेणु मुझे आर लिखिदेवि है तार लेंथ को मुझे कौन लिखी केवल आर लिखिदेवि। तो ये देख मुझे लिखी खाली आर एक्स इजिकल के कह जो आर टाइट हरण होना सी कौन हो कॉस थीटा सहित गुणन होने लिखिदे कौन आर कॉस थीटा ओके। तो आर एक्स कौन आसा ना आर कॉस थीटा आसा है कि तो मुझे कौन कली ना जो आर एक्स ना कि आर एक्स मुझे कौन लिखी आर कॉस थीटा। ठीक सेमती आर वाई रूल्य कौन हम देख देखा आर वाई मैंने कौन अच्छे ये आर वाई होता है ये कौन आर वाई हम कहीं दि जगह देख पार्लाल अच्छी दि जगह लेंथ सामान अच्छी तेनाली कौन कह इक्वाल फैक्टर कहीपर तेणु ये मोर कौन हो आर वाई होगा। तो देख जब ये थीटा होंगेला मुझे लिखी सैन थीटा इज इक्वल टू कौन हो कह फर्मुला कौन पी बाय एच। तो पी मान कौन ए समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ये हूँ पी मान आर वाई तेन्थ में कौन कह आर वाई कह ना तेनाली लिखिदेली कौन आर वाई डिवाइड बाय एच माने कौन हाइपोटेनस कर्ण कौन अच्छे आर अच्छी तेनाली कौन लिखिली आर लिखिदेली इम्प्लाइज आर वाई इज इक्वल टू कौन हो आर वाई जो रखा आर टा गुणन हो सैन थीटा सहित तेनाली कौन होगा ना आर सैन थीटा है बुझिपारल तेणु आर एक्स कौन आसा आम आर एक्स आसा जे आर कॉस थीटा माने जो आम हॉरिजॉन्टल या कहे हॉरिजॉन्टल बोली कहुए हॉरिजॉन्टल कितना आसा ना आर कॉस थीटा एवं जो वर्टिकल अच्छे आर वाई तार मूल्य कौन आसा ना आर सैन थीटा आसा बुझिपाल समस्त क्लीयर रे। तो देख मुझ लिखी आर एक्स को आर कॉस थीटा लिखी आर वाई को आर सैन थीटा लिखिदेली बर्तमान मुझे कौन करी जो आर मैग्नीट्यूड बाहर करी केमती बाहर करी देख देख पर क्लीयर रे जे जो आर एक्स अच्छी आर वाई अच्छी स्क्वेयर नहीं जी आर एक्स स्क्वेयर को आर वाई स्क्वेयर जोड़ीदेवी जोड़े कौन हाँ जे आर एक्स स्क्वेयर मैंने कौन आर कॉस थीटा अच्छी तेणु आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा आर वाई स्क्वेयर मैंने कौन हो ना आर स्क्वेयर सैन स्क्वेयर थीटा हो कहीं आर वाई मैंने आर सैन थीटा तेणु आर स्क्वेयर पकई दियो है ना तेणु मुझे कौन लिखी जो आर एक्स को एमती लिखिदेली आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा आर वाई स्क्वेयर को मुझे लिखिदेली आर स्क्वेयर सैन स्क्वेयर थीटा क्लीयर। तापर देख दिजार मुझे आर कमन काढ़ी आर कमन काढ़ भितर कौन रही है कॉस स्क्वेयर थीटा और सैन स्क्वेयर थीटा रहीगला ना। तो कॉस स्क्वेयर प्लस सैन स्क्वेयर मूल्य कौन वन वन को आर स्क्वेयर गुण कले आसो ना केवल आर स्क्वेयर। तो देख आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर मूल्य कौन आसा आर स्क्वेयर आसा ना कि तेल खाली आर कौन हो स्क्वेयर अच्छी से कौन हो वर्गमूल हो रूट ओवर हो तेणु मुझे लिखिली कौन आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर रूट ओवर क्लीयर बुझिपाले समस्ते। ता मैंने कौन आसा आर रैग्नीट्यूड पल आसा के आसा जे आर एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वेयर प्लस आर वाई मैग्नीट्यूड स्क्वेयर आसगला। तो यहाँ कौन आना आर रैग्नीट्यूड आसा तापर आम देखा आर केफ आर केफ कौन जे आर डायरेक्शन आम देखी जेकोसी वेक्टर को मनकर मुझे लिखी ए वेक्टर ताको आम कमी रिप्रेजेंट करते ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटु ए रिरेक्शन ए केफ आम दे ना
ठीक सेमती एटी आर रो कोन होइजबो जे मो लिखि दिबे आर वेक्टर को मधे कोन लिखिबे जे आर वेक्टर रो मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप आर वेक्टर मैग्नीट्यूड के हम नॉर्मल आर भी लिखि परबा लागे ता केवल आर भी लिखि परबो तो खाली हमर आर कैप कोन देबो कहलो आर कैप इज इक्वल टू केते होइजबो जेठ जे हमर मैग्नीट्यूड अछि से कोन होइजबो ना आर से डिवाइड होइजबो त आर वेक्टर डिवाइड बाय आर रो मैग्नीट्यूड एमती लिखाला हला तो आर वेक्टर ता कोन आर वेक्टर माने हमर कोन आसिला ताको में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रे भांगिले कोन आछि आर एक्स आई के प्लस आर वाई जे के तनो आर जगह में कोन लिखले एमते लिख देली एवं आर रो मैग्नीट्यूड को में कोन लिखली जे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर रा रूट ओवर काहे कि आर मैग्नीट्यूड एमते आसीला ना ठीक अछि त एडा कोन ना यूनिट वेक्टर आर हला माने आर डायरेक्शन नाम सूचित कर दबो डायरेक्शन नाम यूनिट वेक्टर होछि ना त यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करछि डायरेक्शन कोन एवं मैग्नीट्यूड कोन हमें केवल नॉर्मल आर लिखु छथि ठीक अछि त बुझ पाला गोटे प्लेन नाम के परि भांगु छथि गोटे वेक्टर को जे तार दुईटा अक्षर गोटे हूँ कौन आर एक्स आउट होर वाई आर एक्स रु आम कौन लिखुचे जो पूरा भेक्टर टाक है कि आर एक्स भेक्टर टाक आम के लिखुचे आर एक्स आई के एफ एमती लिखुचे आउ जे जो अच्छे मैंने आर वाई अच्छे आम कौन लिखुचे ना आर वाई जे के एफ लिखिदे जहाँ तार मूल्य सब देख लर रैल्यू किपर आसा देख लमस्ते आर रूनिट भेक्टर किपर आसा देख ल तो पे आपन को मुझे कनसेप्ट बर्तमान बुझेबी यूनिट भेक्टर अर्थ कौन यूनिट भेक्टर हूँ से भेक्टर जो वेक्टर मैग्नीट्यूड वन केवल डायरेक्शन अच्छी है कि मैंने ओरिजिनल वेक्टर से केवल डायरेक्शन देखिबो माने सपोज मुझे गोटे वेक्टर ड्र कर देख मुझे वेक्टर ड्र कर नाम कौन दे देली ना ए वेक्टर दे देली ला एडा मोर की वेक्टर एडा होची ए वेक्टर तार लेंथ केते नेली मन कर मु 4 नेली त हम कोन लिखि परबा जे ए वेक्टर रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोन लिखिबा ना 4 यूनिट ला कोन लिखिबा ना 4 यूनिट लिखि देबा तो यूनिट वेक्टर रो अर्थ कोन मनकर मानक मुझ 4 सेमी लिखुचे कि 4 सेमी 4 सेमी मन कर 4 सेमी है तो यूनिट वेक्टर माने कौन जो ए केप लिखुचे ना आम यूनिट वेक्टर को ए केप तार डायरेक्शन दर्शो ना ता अर्थ कौन ए केप रो माने हो गोटे यूनिट वेक्टर तार मैग्नीट्यूड केते हो सब दिन 1 हे तेणु देख आम ये 1 नहीं जावा आपको 4 भाग करदे कले कौन आम ये हो केप हो गए ये गोटे ए केप हो ना कि ये गोटे कौन हो ए केप हो ये गोटे ए केप हो तो यूनिट वेक्टर अर्थ कौन ना केवल आर मैग्नीट्यूड 1 है यूनिट वेक्टर के भी 1 रु अधिक नहीं है तार अर्थ कौन जी से केवल डायरेक्शन पाइले आम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर मैग्नीट्यूड सब दिन के 1 रोक तेनाली कौन लिखिपर आपको 4 ए केफ लिखिपर ना ताक आम कौन लिखा पूरा ए वेक्टर को आम कौन लिखिदे 4 ए केफ है 4 टा कौन तार मैग्नीट्यूड एटा डायरेक्शन तेनाली जो वेक्टर को ताक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन द्वारा रिप्रेजेंट कर क्लीयर तो केवल गोटे जिस मन रख यूनिट वेक्टर अर्थ कौन जे तार केवल से डायरेक्शन पे आम रिप्रेजेंट कर तार मैग्नीट्यूड केते ता मैग्नीट्यूड हो सबुदिन 1 है आउ गोटे जिस मन रख जे एक्स आम के यूनिट वेक्टर नौ आई केप आउ वाई कौन नौ जे केप ठीक से पी आम जब 3 डायमेंशन क्या देखा तो कौन आस जेड अक्ष गोटे आसा कि जेड अक्ष आम कौन ना के केप नहीं जावा तार यूनिट को है तो यह समस्त बुझे जब गोटे प्लेन रे वेक्टर अच्छे भांगे कौन कौन समस्त देखिपार कौन हो आर मैग्नीट्यूड केमी आसा एवं तार डायरेक्शन केमती आसा एबे देखिबा जदि गोटे 3 डायमेंशन अछि गोटे वेक्टरटा 3 डायमेंशन अछि ताको भांगले कोन हबो देख ये जो वेक्टर अछि 3 डी अक्षर अछि हमर एक्स अक्षर वाई अक्षर जेड अक्षर ताको भांगले आमे ता कोन लिखि देबा जेमते हमर 2 डायमेंशन आमे कोन लिखुथले केवल एदि लिखुथले आर एक्स आई के प्लस आर वाई जे के लिखुथले 3 डायमेंशन रे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कोन होइजबो जे आर एक्स आई के हबो आर वाई जे के प्लस आर जेड के के हला जे कोन वेक्टर को आमे 3 डायमेंशन एमते सजे लिखि परबा हला कि जदि मोर एग्जांपल देबी त आमे एमते लिखि परबा जे आर वेक्टर को मन कर ए वेक्टर नेबी मन कर हाला ए वेक्टर कौन होना 3 आई केफ हो प्लस 2 जे केफ हो माइनस 9 के केफ हो तो यहाँ कौन ना जो वेक्टर को आम एमती रिप्रेजेंट करा यहाँ को कौन बोली कहते ना रेक्टांगुलर कंपोनेंट आकार सजे लिखो एमती होगा तो देख आर को 3 डायमेंशन लिखे कौन होना एमती हो आर मैग्नीट्यूड कौन हम 2 डायमेंशन कौन होता ना केवल ए दिन रही स्क्वायर रूट रूट स्क्वायर मैंने स्क्वायर रूट होता 3 डायमेंशन कौन हम ना 3 जाक जीव है तापरे ताको यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर कौन हम आर वेक्टर डिवाइड बाय आर मान मैग्नीट्यूड आर वेक्टर अर्थ कौन जेटा है लिखीदे आर वेक्टर को जमी सेमती लिखीदे मैग्नीट्यूड मान कौन एट देखुचे ना ना मैग्नीट्यूड तेनाली सजे लिखीदे क्लीयर बुझ पाला समस्ते तो यहाँ था कौन 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन आम केवल ए दिटा आसाला मान मैग्नीट्यूडा कौन आसाला ए दिटा आसाला यूनिट वेक्टर कौन आसाला एतिक आसाला केवल ए पार्ट आसाला एटा आस ना 3 डायमेंशन कौन आसो ना यहाँ मैं आसो क्लीयर तो समस्त गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन रही आमर जो संडे आसिबो अपकमिंग संडे इवनिंग 6 पीएम रे है कि इवनिंग 6 पीएम रे आपण मानको हम इंग्लिश मैम माने
चिन्मय मैम प्रत्येक रविवार संध्या 6टा बेले बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ेबे माने एक्चुअली जने स्टूडेंट को जो जो इंग्लिश ग्रामर दरकार से सब पढ़ेबे नाउन रो आरंभ करी पूरा नाउन हो वर्ब तापर एडवर्ब एडजेक्टिव टेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सब कुछ पढ़ेबे 2 मंथ एंती पढ़ेबे ओके 2 मंथ पढ़ेबे नेक्स्ट इतेल 2 मास सरी जीवो तापर से स्पोकन इंग्लिश क्लास स्टार्ट करिवे काहेकि ना स्पोकन इंग्लिश पई प्रथमे आमु दरकार बेसिक इंग्लिश ग्रामर दरकार तनु से प्रथमे ग्रामर माने जोडा दरकार जने स्टूडेंट को सेला प्रथमे से सिखैबे देन स्पोकन इंग्लिश क्लास स्टार्ट करिवे हला कि एबे जो संडे आसीबो से संडे इवनिंग 6 पीएम रो स्टार्ट होइजिवो सबु क्लास रो माने सबु पिला पढ़ी पारिबे क्लास 6 रो आरंभ करी क्लास माने प्लस 2 स्टूडेंट कोन प्लस 3 जे भी पढ़ी पारिबो हला कि काईना इंग्लिश ग्रामर ता समस्त को दरकार तो नियाते समस्त अटेंड करिवे ओके तो एबे हमें कोन देखिले रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर देखिले 2 डायमेंशन रे कोन हो 3 डायमेंशन रे कोन देखिले एबे हमें डिस्कस करबा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स माने दुटी वेक्टर को हमें किपर गुणन करबा हला तो केते प्रकार गुणन कर जिवो ना टोटल 2 टाइप्स अछि गोटो जी कोन स्केलर प्रोडक्ट आउडे वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट को हमें डॉट प्रोडक्ट बोली कहि परबा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एवं जो वेक्टर प्रोडक्ट अछि ना ताको हमें कोन कहि परबा क्रॉस प्रोडक्ट सी आर ओ एस एस क्रॉस प्रोडक्ट बोली कह जिवो ठीक अछि स्केलर प्रोडक्ट माने कोन डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट रे कोन हो ना क्रॉस प्रोडक्ट तो स्केलर प्रोडक्ट बोली कोमे कोला डॉट प्रोडक्ट को काईना देखो जो दुडा वेक्टर हमें दुडा वेक्टर नेबा से मानको डॉट दे गुणन करबा हमें देखो जदि नॉर्मली हमें एक्स किमा वाई जो हमें गणित रे करथले हम डॉट दे रिप्रेजेंट करथले तो गुणन बुझथले किमा एक्स इनटू वाई मध्ये हमें सेम बुझथले नै क्लास 8 9 10 रे हमें बुझथले किंतु जदि वेक्टर कथा देखिबा एक्स वेक्टर को वाई वेक्टर रे डॉट करबो एवं एक्स वेक्टर को वाई वेक्टर को क्रॉस करबो ता लिखबो इदरा केबे समान आसीबोनी इदरा डिफरेंट आसीबो हला माने किछि केस अछि एंती सब डिफरेंट डिफरेंट आसीबो ओके तो बुझलो ना तो स्केलर प्रोडक्ट एवं डॉट वेक्टर प्रोडक्ट तीन जगह हमर सब अलग अलग आसीबो प्रथम हम डिस्कस करबा एक नंबर रे स्केलर प्रोडक्ट माने कोन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट राइट देखो आरो डेफिनेशन कोन बुझो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम माने दुईटी वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट रो अर्थ कोन जे सीधा वेक्टर रो मैग्नीट्यूड हला कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड माने से मानको मैग्नीट्यूड को प्रथमे प्रोडक्ट करियो गुणन करबो एवं आउ कोन ना कोसाइन कार कोसाइन जो से मानको नेकी जो स्मॉलर एंगल हेतिबो जो कोण सुस्थितिबो से कोण रो कॉस नेबो कोसाइन में नेबो माने कोन जदी थीटा नेबो ताले कॉस थीटा नेबो एंती करबो हला देखो माने कर मु दुईटी वेक्टर नउ छेठी हला ये होची माने कर कोन ए वेक्टर एटा होची कोन बी वेक्टर एवं ए मानक भीतर देखो दुईटी एंगल अछि गोटे एंती होबो गोटे बडो एंगल अछि आ छोटो एंगल अछि ताले हम सब लिस्ट एंगल नेबा स्मॉलर एंगल नेबा हला थीटा नेबा ताले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोन आसीबो जे कोन लिखाई छि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड लिखाई छि ना त माने ए रो मैग्नीट्यूड कोन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड हम नॉर्मल ए लिखु छथि बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोन लिखु छथि नॉर्मल बी लिखु छथि एवं आ कोन लिखाले ना कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल के थीटा नै कि तने कोन हो ना ए बी कॉस थीटा बुझ पाललो तने डॉट प्रोडक्ट रे कोन हो ना जे दुटी वेक्टर हम डॉट प्रोडक्ट कर छथि आंसर कोन हो से माने को मैग्नीट्यूड गुणन करबो ता सा का गुणन करबो कॉस थीटा को थीटा माने कोन से माने को जो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर जो एंगल अछि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ठीक अछि त ए बी कॉस थीटा अछि सेंदी जदि हम वेक्टर प्रोडक्ट करबा ना त जदि मु लिखि देबे ए बी पढैबानी जस्ट मु खाली हिंट्स दे दउछि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को जदि गुणन करबो आंसर कोन आसीबो ना ए बी साइन थीटा आसीबो हला त ये डिफरेंट एवं ये डिफरेंट ओके तो बुझ पाला समस्ते स्केलर प्रोडक्ट बा डॉट प्रोडक्ट कोन होछि ना दिरा वेक्टर हम जदि डॉट प्रोडक्ट करबा तले आंसर कोन होबे ना सेमानको मैग्नीट्यूड ता सहित कोसाइन को हमें गुणन करचोंदी तापर देखो एबे देखिबा कोन जे स्केलर प्रोडक्ट रो किछि प्रॉपर्टीज कोन कोन सब गुण रहिछि फर्स्ट होछि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव माने क्रम विनिमय अटंती राइट दैट इज अर्थ होछि कोन माने त माने कोन जे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कम्यूटेटिव होछि ना नै आको गुण सेम रहिबो हला डॉट प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव एसोसिएटिव माने कोन सहयोगी प्रथमे कोन करिवो b डॉट c करिवो तापर a को डॉट करिवो जहां आसीबो प्रथमे a को b गुणन करिवो तापर c गुणन करे डॉट प्रोडक्ट करिवो आंसर सेम आसीबो तापर छि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव माने कोन बंटन नियम जेंति कि आमे b को c प्रथमे एडिशन करिवा तापर a सहित डॉट प्रोडक्ट करिवा जहां आसीबो कोन हबो ना a डॉट b प्लस a डॉट c आंसर सेम आसीबो एटा कोन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माने बंटन नियम ओके तापर होछि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्युचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो माने जदि दुईटी म्युचुअली माने परस्पर परपेंडिकुलर वेक्टर अछंदी ओके एठी गोटे ए वेक्टर अछि एवं एटा कोन बी वेक्टर
ଏମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପର କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଦୁଇଟା ଭେକ୍ଟର ଯଦି ତୁମେ ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିବ ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ? ଜିରୋ ଆସିବ। କେମିତି ଜିରୋ ଆସିବ? ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏ ଡଟ୍ ବି, ଆମର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଯେ ଏ ବି କସ୍ ଥିଟା, ଥିଟା ଜାଗାରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପକାଇଲେ ତ କସ୍ 90ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଜିରୋ। ତେଣୁ ଯଦି ଜିରୋକୁ ଆମେ ଏ ବି ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଜିରୋ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଯେ ଏ ଡଟ୍ ବି ମାନେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଭେକ୍ଟର ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଅଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ଟୁ ଭେକ୍ଟର ସାର୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଦେନ୍ ଦେ ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଜିରୋ। ସେମାନଙ୍କ ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେତେ ଆସିବ? ଜିରୋ ଆସିବ, ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଅ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା କହିଲ? ମୁଁ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍, ଦେଖ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ୱାଇ ଅକ୍ଷ। ତ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଭେକ୍ଟର ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଉଥିଲେ? ଆଇ କେପ୍ ନେଉଥିଲେ ନା। ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଭେକ୍ଟର ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଉଥିଲେ? ଜେ କେପ୍ ନେଉଥିଲେ। ତ ଦେଖ ଏବେ ଆଇ କେପ୍ ଏବଂ ଜେ କେପ୍ ଏ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ଭେକ୍ଟର କ'ଣ ପରସ୍ପର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଅଛନ୍ତି ନା? ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଦୁଇଟା ଭେକ୍ଟର ପରସ୍ପର ସହିତ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଭେକ୍ଟର ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆସିବ? ଜିରୋ ଆସିବ ନା କି? ତେଣୁ ଆଇ ଡଟ୍ ଜେ କେପ୍ କେତେ ଆସିଲା? ଜିରୋ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ନେବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଆଇ ଏ ଜେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା? କେ କେପ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଇ ଜେ ଏବଂ କେ ପରସ୍ପର 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଇକୁ କେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଜେକୁ କେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସବୁଯାକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇକୁ ତୁମେ କେ ଗୁଣନ କର, ସବୁଦିନ ଜିରୋ ଆସିବ। କେକୁ ଜେ ଗୁଣନ କର, ଜିରୋ ଆସିବ। ଜେକୁ ଆଇ ଗୁଣନ କର, ଜିରୋ ଆସିବ, ହେଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଥଗୋନାଲ ଭେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ମାନେ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇ ଭେକ୍ଟର ଡଟ୍ ଜେ ଭେକ୍ଟର ଇଜିକ୍ ଟୁ ଜେ ଭେକ୍ଟର ଡଟ୍ କେ ଭେକ୍ଟର ଇଜିକ୍ ଟୁ କେ କେଫ୍ ଡଟ୍ ଆଇ କେଫ୍ ଇଜିକ୍ ଟୁ କେତେ ହେଉଛି? ସବୁଯାକ ଜିରୋ ହେଉଛି, ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ଭେକ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ୱାନ୍। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା କେତେବେଳେ ଜିରୋ ହେବ? କ'ଣ ପାଇଁ ଜିରୋ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ୟେସ୍ ଲେଖ ସମସ୍ତେ, ହେଲା। କାହିଁକି ଜିରୋ ହେଉଛି? କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ ନା? ଜିରୋ ହେବ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ପାରାଲେଲ୍ ଭେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେଇରି ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼। ଯଦି ଦୁଇଟି ପାରାଲେଲ୍ ଭେକ୍ଟର ନେବା, ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଏମିତି ଅଛି ଏ ଭେକ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଭେକ୍ଟର ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେତେ ହେବ ନା? ଜିରୋ ହୋଇଛି, ସରି କେତେ ହେବ ନା? ସେମାନଙ୍କ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ର ଏକା ଗୁଣନ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦୁଇଟି ପାରାଲେଲ୍ ଭେକ୍ଟରର ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ ହେବ ନା? ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଡଟ୍ ପି ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏ ବି କସ୍ ଜିରୋ, କସ୍ ଜିରୋର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ୱାନ୍। ୱାନ୍କୁ ଏ ବି ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ ନା? ଏ ବି ରହିବ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ପାରାଲେଲ୍ ଭେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେଇର୍ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼, ମାନେ ଏ ଭେକ୍ଟର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏବଂ ବି ଭେକ୍ଟର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼, ସେଥିରେ ଗୁଣନ କରିଦେବ। କ୍ଲିୟର? ତେଣୁ ଦେଖ ଦୁଇଟା ପାରାଲେଲ୍ ଭେକ୍ଟର ହେଲା କି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଗୁଣ ଫଳଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ବୁଝ। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆଇ କେଫ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଜେ କେଫ୍, ଏଇଟା କ'ଣ କେ କେଫ୍। ତେଣୁ ଆଇ କେଫ୍ ସହିତ ପାରାଲେଲ୍ କିଏ? ଆଇ କେଫ୍ ନିଜେ ନାହିଁ କି? ଆଇ ସହିତ ପାରାଲେଲ୍ କିଏ? ଆଇ କେଫ୍ ନିଜେ ପାରାଲେଲ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆଇକୁ ଆଇ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ପାରାଲେଲ୍ ଭେକ୍ଟରର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ? ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଇକୁ ଆଇ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା ଆମକୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ମିଳିବ ନା? ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ମିଳିବ। ଆଇର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ମାନେ କ'ଣ? ୱାନ୍। ଆଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ ଭେକ୍ଟର ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ? ତେଣୁ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଯିବ ନା କେବଳ ଆମକୁ ୱାନ୍ ମିଳିବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ କେତେ ଆସିଲେ? ୱାନ୍ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେପରି ଜେ କେଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଜେ କେଫ୍ କେତେ ହେବ? ୱାନ୍ ଆସିବ। କେ କେଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କେ କେଫ୍ କେତେ ଆସିବ? ୱାନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଚାରି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରପର୍ଟିରେ, ଚାରିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଯଦି ଆଇକୁ ଜେ କିମ୍ବା ଆଇକୁ କେ କିମ୍ବା ଜେକୁ କେମିତି ଗୁଣନ କରିବ ତାହେଲେ ଜିରୋ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ସବୁଯାକ ସେ ମାନେ ପରସ୍ପର ସେ ପାରାଲେଲ୍ ଅଟନ୍ତି? ଏମିତି ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆଇକୁ ଆଇ ନିଜ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଣନ କର, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା? ୱାନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏ ଭେକ୍ଟର ଡଟ୍ ଏ ଭେକ୍ଟର ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ୱାନ୍ ଲେଖିଦେବନି, ୱାନ୍ ହେଇଯିବନି ସେଟ, ହେଲା। କାହିଁକି ଆମେ ଏ ଭେକ୍ଟର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ୱାନ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ନା? ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା? ଏ ସ୍କୋୟର ହେଇଯିବ। ଏର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ କିଛି ଥାଇପାରେ, ୱାନ୍ ହେଇପାରେ, ଟୁ ହେଇପାରେ, ଥ୍ରୀ ହେଇପାରେ, କେତେ ହେଇପାରେ ନା? ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସ୍କୋୟର ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟୁନିଟ୍ ଭେକ୍ଟର କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ୱାନ୍ ଲେଖିବ, କାହିଁକି ନା ୟୁନିଟ୍ ଭେକ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ସବୁଦିନ ୱାନ୍, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଆଇକୁ ଜେ କିମ୍ବା ଜେକୁ କେ କିମ୍ବା କେକୁ ଆଇ ଗୁଣିବା ତ ଜିରୋ ଆସିବ, ଆଇକୁ ଆଇ ଜେକୁ ଜେ କେକୁ ଏ ଗୁଣ କରିବ ୱାନ୍ ଆସିବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଟି ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଭେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦେଇର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେଇର୍ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼। ମାନେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଆଣ୍ଟି ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଏମିତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା? ତାଙ୍କ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ ଏଠି, ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ଯଦି ଆଣ୍ଟି ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଭେକ୍ଟର ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲା କି? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେ କସ୍ 180 ଲେଖିଦେବା, କସ୍ 180, କସ୍ 180 ମୂଲ୍ୟ କେତେ? -1।
तेणु माइनस वन के भी गुण कले कौन आसो माइनस ए भी आसो बुझिपाल समस्ते क्लियर तो प्रॉपर्टी गुड़ी समस्त पूरा क्लियर बुझिपाल जब बुझिपाल येस कर है कि वीडियो को समस्त लाइक कर जो मैंने पूरा क्लियर बुझिपार ठीक अच्छे नेक्स्ट देख डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट माने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अनुसार आम किपर दुईट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करवा देख मु लिखिली कौन ए वेक्टर केमती लिखिदेली बी वेक्टर को कौन लिखिली लिखिदेली कहीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अनुसार एमती लिखुच एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के देख टे मन पकई दूसरी मुझे देख लिखी ना एमती जो वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एमती सजाऊँच आर एक्स आई केफ आर वाई जे केफ आर जेड के केफ एक्स वाई जेड और आई जे के एमती सजाऊँच ठीक से मुझे कौन लिखिली ना ए वेक्टर को दे दिली एक्स आई के प्लस ए वाई जे केफ ए जेड के केफ बी वेक्टर को मुझे लिखिली बी एक्स आई केफ प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के केफ आम कौन करवा दुटा वेक्टर को प्रोडक्ट करवा क्यों प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट तो कौन हम देख आम गुणन करवा जदि दुटा वेक्टर को तो कौन आसो जे नॉर्मली जमी गुणन करमी गुणन कर ब्रैकेट दे देव प्रथम कौन कर ना ए एक्स आई केफ को आम सब जगह गुणन करवा पुणी प्लस देखिए ए वाई जे केफ को सब जगह गुणन करवा पुणी ए जेड के केफ को यहाँ गुणन करवा है ना तो कौन हम देख एक्स आई केफ को मुझे लिखिदेली प्रथम तापर ए जेड ए सरी ए वाई जे केफ को लिखिदेली गोटे मिनट हाँ ए वाई जे केफ लिखिदेली ए जेड के केफ लिखिदेली तापर कौन हम देख इंटरेस्टिंग कथा जे आम जानते कौन आई को जब जे गुणन करवा जीरो हम आई को सेमती के गुणन कले जीरो हम तेणु या गुणन कले तो जीरो हम आम जानते यहाँ सेमती या सहित गुणन कले भी जीरो हम तेल से गुटे गुण करा दरकार नहीं क्या गुण करवा एक्स आई केफ को बी एक्स आई केफ कहीं आई को ये गुण कले वन आम जानते कि आई को जे हूँ कि आई को के हूँ गुण कले कौन जीरो आसो तेनाली कौन कले एक्स आई केफ को बी एक्स आई केफ गुण करदे कहीं देख ठीक पढ़ते देख आई को जे हूँ जे को के आई गुण कले जीरो आसूँ ठीक अच्छे देख तापर ठीक सेमती ए पार जो ये जो टर्म अच्छे कौन हो वाई जे देख जे अच्छी जे को आई गुण कले जीरो सेमती जे को के गुण कले जीरो आम क्या गुण करवा यहाँ को यहाँ सब गुण करवा है यहाँ गुण करवा आम कहीं आ सब जगह पूरा जीरो होना देख रे जी मुझे कौन करी जो टू इंटु जीरो थ्री इंटु जीरो आम जीरो को जीरो गुण कले जीरो तेणु ए पूरे दुटा गुण कले मतलब कौन सब जीरो को आसो तेना गुण करा दरकार नहीं क्या गुण करवा केवल आम ए वाई जे केफ को बी वाई जे केफ सहित गुण करवा कह कौन एमती रहीपर देख ठीक सेमती ये कौन ना ए जेड के केफ को केवल के केफ सहित गुण करवा कहीं सब जीरो होना गुण करवा जदि तो एबे देखो आई को ये गुण कले कौन वन पढ़ एट समस्ते पढ़ समस्ते आई को ये कौन आसते ना वन आसते ना ओके तेणु आई को ये गुण कले वन आसते आ कौन देव केवल ए एक्स बी एक्स गुण रोटे सेमती कौन जे को जे जब डॉट रे गुण करवा जीरो आसो सरी वन आसो तेणु तार मूल्य वन तक ना केवल ए वाई बी वाई रोक ठीक से कौन ना ए जेड बी जेड क्लियर तो आंसर कौन जब आम ए डॉट बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अनुसार जब प्रोडक्ट करवा तो कौन ना केवल एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एवं ए जेड बी जेड रहा आ किसी नुह है बुझिपाल समस्ते नहीं मुझे एक्जामपल देखिए देख फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बाहर करवा तो कौन लिखा ना ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी बी वेक्टर इज इक्वल टू कौन एटी कौन होता ना एक्स को बी एक्स गुण होता एटी एक्स रे कौन टू अच्छी इंटू बी एक्स रे कौन अच्छी ना आई केफ रे कौन अच्छी कोफिशिएंट कौन अच्छे ये किसी ना मैंने वन अच्छी तेनाली टू इंटू वन तब प्लस देदेव तापर कौन होता देख ये ए वाई बी वाई तमें कौन जेर कोफिशिएंट कौन थ्री अच्छी इंटू एटी कौन अच्छी माइनस टू अच्छी तापर के कोफिशिएंट कौन फोर अच्छी तेरे प्लस फोर इंटू के रोटी कौन थ्री अच्छी तेनाली फोर इंटू थ्री है ना तो कत देख टू इंटू वन मान कौन टू प्लस थ्री इंटू माइनस टू मान कौन ना माइनस सिक्स प्लस फोर इंटू थ्री मान के ट्वेल्व आंसर कौन हो टू माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व टू मान सिक्स मान कौन माइनस फोर प्लस एट ट्वेल्व मान के एट तो आंसर कौन आसट आस ठीक अच्छे तो चलतु आज क्लास को मेतिक समाप्त करवा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवा कौन देखिए जो वेक्टर प्रोडक्ट बा क्रॉस प्रोडक्ट विषय में आलोचना करा पूरा चैप्टर को कंप्लीट करदे एक्चुअली आज आम कंप्लीट हो पार्थ कितु आम जो लास्ट क्लास वीडियो अधर स्टॉप होगा से आज मुझे क्लास को कंप्लीट कर पारे कहीं सब पढ़ाई थी ना आज तो चलते नेक्स्ट क्लास वीडियो पूरा मैंने जो स्कालर वेक्टर चैप्टर कंप्लीट करवा तापर आम गोटे नया टॉपिक स्टार्ट करवा ठीक अच्छे तो मुझे कौन इनफर्मेशन देखी समस्त जाचो जे संडे ठार इवनिंग सिक्स पी एम चिन्मय मैम आपण इंग्लिश ग्रामर पढ़े जोटा कि आम डेली लाइफ कम भी आसपार ठीक अच्छे कहीं जानूँ तो स्पोकन इंग्लिश क्लास जॉइन करेंगे तो चलते बास वीडियो को समाप्त करवा थैंक यू सो मच।